स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश फॉर 12th क्लास. एज यू नो दैट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम वी आर फेसिंग, सो मेक अ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, एंड कवर योर फेस व्हाइल यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस एंड व्हाइल स्नीजिंग और व्हाइल कफिंग. And wash your hands with a good soap or sanitize your hands. Today I am going to start the lesson number 3, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. James Allen was a famous American writer. He was famous for his moral teaching. His whole work is full of moral teaching and very good good things. After reading his stories or essays, you can develop good habits in yourselves. This lesson is also the example of a good learning, a good lesson, a good moral. In this lesson, the writer shows how a man become healthy and successful and powerful. The writer says that we should have a single purpose and uncompromising purity, and we should have faith in God, in eternal law and our work which we are doing. If we do these things, success will be ours, health will be ours, and power will be ours. Everything we can get in our life if we follow these things in our life. Now I am going to start the lesson. Open your books and I will paste the text on the board also. Where there is a sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. Where वहाँ जहाँ पर sterling faith, strong faith, जहाँ पर दृढ़ विश्वास है, and uncompromising purity और पूर्ण शुद्धता है, purity है, देयर इज़ हेल्थ, वहीं पर हेल्थ स्वास्थ्य है, देयर इज़ सक्सेस, वहीं सफलता है, देयर इज़ पावर, वहीं पावर है. मीनिंग द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर लाइज इन दीज थिंग्स. इन सच ए वन, ऐसे व्यक्ति में हु हैज़ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड प्योरिटी, तो ऐसे व्यक्ति में डिजीज़, बीमारी, असफलताएं एंड डिजास्टर, रून, विनाश, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, कोई भी लॉजमेंट, अ प्लेस फॉर स्टे, रहने के लिए उसे कोई भी स्थान नहीं मिलेगा, फॉर देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं है जहाँ पर वो पोषित हो सकें. बीमारियाँ, disease illness and the second one, disease die. You can write sentences to clear the meaning and these are homophones. You will get 2 marks for these in your exam. Next paragraph, the sooner we realize, jitna jaldi hum realize mehsoos karenge and accept, स्वीकार करेंगे, दैट सिकनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आर ओन एरर, की बीमारी परिणाम है हमारी अपनी एरर, गलती का, और सिन हमारे पाप का, हमारे गलत कार्यों का, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतना जल्दी ही हम स्वास्थ्य के हाईवे, रोड, रास्ते पर चल पड़ेंगे. इट मीन्स इफ़ वी नो द रीज़न ऑफ आर सिकनेस, तो वी कैन नॉट बी ill in our life.
डिजीज कम्स टू दोज हु एंड अट्रैक्ट इट, बीमारी उन लोगों को आती है जो इसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. टू दोज उन लोगों को आती है हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके मस्तिष्क और जिनके शरीर ग्रहण करने के योग्य होते हैं इनके. एंड फ्लीज फ्रॉम दोज और उन लोगों के पास से भाग जाती है, चली जाती है हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर, जिनके स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली एंड प्योर पवित्र शुद्ध एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर और सकारात्मक विचारों के क्षेत्र जनरेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं हीलिंग स्वास्थ्यवर्धक हेल्थ गिविंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, जीवनदायिनी करंट्स देते हैं, धाराएं प्रवाहित करते हैं उन लोगों के पास से बीमारी दूर भाग जाती है. इन दिस पैराग्राफ राइटर टेल्स अस द रियल रीजन ऑफ आवर सिकनेस. वी शैल बी नेवर इल और सिक इफ वी नो द एक्चुअल रीजन ऑफ आवर सिकनेस. If you are giving to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind, अगर तुम्हें दे दिया जाए क्रोध, चिंता, jealousy, ईर्षा, greed, लालच और any other inharmonious state of mind. Inharmonious state of mind meaning unbalanced करने वाली, असंतुलित करने वाली अगर आपको स्थिति दे दी जाए. Just imagine if you are angry, कहते हैं ना कि क्रोध विवेक का नाश कर देता है. इन द सेम वे राइटर सेज दैट इफ दीज आर अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑफ ए मैन, पैशंस दीज आर कॉल्ड पैशंस, तो इफ यू आर गिवन, अगर हमें क्रोध, वरी, चिंता, जेलसी, ईर्षा और ग्रीड, लालच या और अन्य इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड, मन को असंतुलित करने वाली, मन को परेशान करने वाली अगर हमें कोई परिस्थिति या स्थिति दे दी जाए, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और हमसे एक्सपेक्ट आशा की जाए पूर्ण हेल्थ की, पूर्ण स्वास्थ्य की, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल. तो हमसे कैसी आशा की जा रही है? असंभव की आशा की जा रही है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी हेल्दी इफ वी आर in great anger, if you are in worry and if we envy to anybody, because these influenced our mind and along with mind our body also. For you are continually sowing, क्योंकि तुम continually निरंतर बो रहे हो seeds of disease, बीमारी के बीज, and in your mind, अपने मस्तिष्क में. सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुल्ली शन, ऐसी परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक शन, अवॉइड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है बाई द वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों के द्वारा. फोर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस, क्योंकि वही व्यक्ति जानता है कि ये बहुत अधिक खतरनाक होती है देन ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, एक बुरे नाली, गंदी नाली से और एक प्रदूषित घर से भी ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस होती हैं हमारे अनबैलेंस्ड करने वाली जो कंडीशंस हैं माइंड की. बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी. अगर हमारा माइंड ही हेल्दी नहीं है तो हमारा शरीर भी हेल्दी नहीं रह सकता. दिस इज़ वेरी इंस्ट्रक्टिव पैराग्राफ फॉर यू. इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, अगर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए सभी प्रकार के फिजिकल एक्स एंड पेन्स, शारीरिक दुख दर्दों से, परेशानियों से, एंड वुड एन्जॉय परफेक्ट हेल्थ, फिजिकल हारमोनी, तो तुम पूरी तरह से अपने शारीरिक हारमोनी, समन्वय और संतुलन, बैलेंस प्राप्त कर लोगे. देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, और इसके लिए व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना चाहिए कि पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ऑर्डर व्यवस्थित रखिए, व्यवस्था ऑर्डर में रखिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को भी हार्मोनाइज, बैलेंस करिए, संतुलित करिए. थिंक जॉयफुल थॉट, क्या करना चाहिए हमको अपने मन को हेल्दी रखने के लिए, कि हम हमेशा आनंददायक विचार सोचें. थिंक लविंग थॉट, स्नेह भई, लविंग, प्रेम से भरे हुए विचार रखें.
लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल, और एक अच्छाई का, दूसरों की भलाई का जो एलिक्सिर, एक लिक्विड होता है जो हमारे कोर्स थ्रू योर वेंस, जो हमारी वेंस में, हमारी शिराओं में बहता है गुडविल. इट मीन्स वी शुड हैव अ गुडविल टू अदर्स एंड वी शुड हैव द आइडियाज टू हेल्प अदर्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और हमें फिर किसी भी मेडिसिन, किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होगी. पुट अवे योर जेलेसीज, एक तरफ रख दो, हटा दो अपनी जेलेसीज, ईर्ष्याओं को, योर सस्पिशंस, अपने सस्पिशंस, डाउट्स को, अपने संदेह को, योर वरीज, अपनी चिंताओं को, योर हेटर्स, हेटर्स, अपनी हेटर्स, घृणाओं को, योर सेल्फिश इंडलजेंसेस, अपने स्वार्थी इंडलजेंसेस, कार्यों को, एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, तो तुम अपनी डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, अपच को भी दूर कर दोगे, योर बिलियसनेस, एसिडिटी को भी, दीज आर द काइंड ऑफ डिजीज, इनको भी दूर कर दोगे, योर नर्वसनेस, अपनी घबराहट को, एंड एकिंग जॉइंट्स, और अपने दर्द, अपने जोड़ों के दर्द को, जॉइंट पेन्स को भी आप दूर कर दोगे. इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज, अगर तुम चिपके रहे किनसे, इन डेबिलिटेटिंग, वीकनिंग करने वाली, कमज़ोर करने वाली, एंड डीमोरलाइजिंग, नैतिक पतन करने वाली, डीमोरलाइज करने वाली किनसे, हैबिट्स ऑफ माइंड, मानसिक हैबिट से, आदत से, नेचर से, तो देन डू नॉट कंप्लेन, बिल्कुल शिकायत मत करना. व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, कि तुम्हारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया, देन यू शुड नॉट कंप्लेन, बिकॉज यू हैव नो बैलेंस ऑफ माइंड, एंड यू फॉर दिस यू शुड हैव पीस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड, एंड गुडविल, एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स, गॉड विल बी गुड टू यू, यू शुड डू गुड, यू विल गेट गुड. नेक्स्ट पैराग्राफ, मैनी पीपल कंप्लेन दैट, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, अत्यधिक कार्य करने से वो बीमार पड़ गए हैं, ये ऐसा सोचते हैं. इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, और अधिकांश जो घटनाएं हैं, अधिकांश उदाहरण हैं जो इस प्रकार की घटनाओं के, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली, और जो बीमारी है, ब्रेकडाउन, इलनेस, सिकनेस, वो फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ, वो किसका परिणाम है, फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, फुलिशली मूर्खतापूर्ण ढंग से वेस्ट, बर्बाद की गई हमारी जो शक्ति है, उसके कारण ऐसा होता है. इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर तुम अपनी स्वास्थ्य को सुरक्षित कर लोगे, तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तुम्हें बिना फ्रिक्शन, बिना टेंशन के, बिना तनाव के अपने को काम करना सीखना होगा. ऑलवेज वर्क विदाउट टेंशन, विदाउट एनी फ्रिक्शन, यू शुड डू योर वर्क विद हैप्पी मूड. टू बिकम एंक्शियस और एक्साइटेड, और बेचैन, परेशान और एक्साइटेड, उत्तेजित होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, और अनावश्यक बातों पर चिंता करना, परेशान होना, इज़ टू इन्वाइट ए ब्रेकडाउन, बीमारी को आमंत्रण करना है, बीमारी को बुलावा देना है. वर्क वेदर और ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, मैंने शारीरिक हो और मेंटल हो, इज़ बेनिफिशियल, हमेशा लाभदायक होता है. टू वर्क एनी काइंड ऑफ वर्क, फिजिकल और मेंटल वर्क, एवरी काइंड ऑफ वर्क, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल, इट इज़ हेल्थ गिविंग एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद ए स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी. अगर एक व्यक्ति पूरी तरह से दृढ़ होकर और शांत निरंतरता के साथ काम करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, सभी प्रकार की एंग्जाइटी, परेशानियों से, बेचैनियों से मुक्त होकर, एंड वरी, चिंताओं से मुक्त होकर, एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस, और अपने माइंड को अटरली, कम्प्लीटली, पूरी तरह से ओब्लिवियस भुलाकर टू ऑल, उन सब चीज़ों के को भुला दें बट द वर्क. और वॉट शुड वी रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर ओनली अवर वर्क, केवल हमें उस काम को याद रखना है, ही हैज़ इन हैंड, जो हमारे हाथ में होता है, द वर्क विच वी आर गोइंग टू कम्प्लीट, वी शुड रिमेंबर द वर्क ओनली.
विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश, और वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने काम को भी याद रखता है, इधर उधर की बातों में अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाता है, वह अकॉम्प्लिश ना केवल वो पूरा करेगा फार मोर, अधिक ज़्यादा काम देन द मैन, उस व्यक्ति से हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंक्शियस, जो हमेशा हरी जल्दबाजी में और एंक्शियस बेचैन रहता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपने हेल्थ को भी बनाए रखता है। अ बून, एक ऐसा बून, ऐसा वरदान, ऐसा ब्लेसिंग, द अदर क्विकली फोर फीट्स, जो अन्य लोग आसानी से छोड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सफलता साथ साथ चलती हैं, फोर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्विंड इन द थॉट रियल्म, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बाई द पावर ऑफ फेथ, और विश्वास की शक्ति से, एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश, हर परमानेंट कार्य को पूरा, स्थाई कार्य को पूरा कर लिया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, विश्वास रखो सुप्रीम मीनिंग एटर्नल गॉड, अनंत गॉड, सुप्रीम पावर में। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, हमेशा सर्वव्यापक कानून, जो नियम बनाए गए हैं उनमें विश्वास रखो। लॉ फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य में विश्वास रखो, एंड इन योर पावर, अपनी उस शक्ति में टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क, उस कार्य को करने की। हेयर इज द रॉक अपॉन विच, और यही वो रॉक है, यही वो चट्टान है, यही वो शरण स्थली है, जिस पर यू मस्ट बिल्ड, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। इफ़ यू वुड अचीव, अगर तुम उसे प्राप्त कर लोगे। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, अगर तुम उस पर दृढ़ता से खड़े रह सकते हो और नहीं गिरोगे तब। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, और पालन करना प्रत्येक परिस्थिति में, इन एवरी कंडीशन, द हाइएस्ट प्रोम्प्टिंग्स वुड विद इन यू, जो भी आपके अंदर प्रोम्प्टिंग, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी प्रेरणाएँ हैं आपके अंदर, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, वो हमेशा आपकी अंतरात्मा के लिए भी हमेशा सत्य रहेंगी, सच्चे रहेंगी। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, रिलाई, विश्वास करो। देर आर सो मैनी सिनोनिम्स इन दिस पैराग्राफ, जैसे आपने बताया अभी, फेथ, रिलाई, बिलीव एट्सेट्रा, एंड रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, हमेशा अपनी इंटरनल, जो आपकी इंटरनल, जो आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, विवेक है, उस पर विश्वास करो। द इनवर्ड वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ पर, एंड टू परस्वे योर पर्पज, और परस्वे, चेस, पीछा करो अपने उद्देश्य का, विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हर्ट, फियरलेस, निडरता के साथ, विदाउट एनी फियर, एंड रेस्टफुल हर्ट, शांत, पीसफुल हृदय के साथ। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अन टू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट, और यह विश्वास करते हुए कि भविष्य जो है तुम्हें हर वो विचार और वो प्रयास देगा, नोइंग, यह जानते हुए, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि जो ब्रह्मांड के नियम हैं, जो एक यूनिवर्सल लॉ है, वो कभी फेल नहीं होते। इफ़ यू डू गुड यू विल गेट गुड, गुड डीड ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और तुम्हारी जो जो तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो वापस आएगी पूरी शुद्धता के साथ, गणितीय शुद्धता के साथ, पूरी विदाउट एनी एरर, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही आपका फेथ है, यही आपका बिलीफ है, और यही आपका सजीव फेथ है आपका। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, और ऐसे विश्वास की शक्ति से, द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जो आपका अनिश्चितता का काला पानी है, आर डिवाइडेड, वो टूट जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी, और हर कठिनाई का पर्वत, मीनिंग एवरी द बिगेस्ट, द ह्यूज डिफ़िकल्टी विल बी ब्रोकन, क्रुम्बल्ड अवे, डिफ़िकल्टी क्रुम्बल्ड अवे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी वो भी, इट विल बी डिवाइडेड इंटू सो मैनी पीसेज, वॉट विल
your difficulties, your problems. There will be no problem in your life if you have faith in God, faith in eternal law, and faith in your work. And the believing soul passes on unharmed. और आपके जो एक believing soul है, विश्वास करने वाली जो आपकी आत्मा है, अंतरात्मा है, वो बढ़ती रहेगी आगे बिना हानि पहुँचे, अनहार्म, बिना किसी हानि के, बिना किसी चोट के. स्ट्राइव और रीडर, स्ट्राइव संघर्ष करो पाठक, टू एक्वायर मीन ही इज गिविंग सम एडवाइजेज, सम एडवाइस एंड दिस एडवाइस दैट ही इज गोइंग टू टेल अस, टू एक्वायर अबोव एवरीथिंग, और हमें प्राप्त करने के लिए हर चीज को, द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, और ये एक बहुमूल्य अधिकार है हमारे अदम्य विश्वास का, दृढ़ विश्वास का, स्ट्रॉन्ग फेथ का, फॉर इट इज द तिलिस्मा ऑफ हैप्पीनेस. यही हमारा तिलिस्मा, रहस्य है, यही सीक्रेट है किसका, हैप्पीनेस, सुख का, खुशियों का, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, सफलता का, शांति का, पावर का, ऑफ ऑल दो दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर, और उन सब चीज़ों का जो हमारे जीवन को महान और सुपीरियर बनाती है, सर्वोच्च बनाती है, टू सफरिंग, कष्टों में, परेशानियों में. बिल्ड अपॉन सच फेथ, और ऐसा विश्वास अपने अंदर बनाओ, निर्माण करो ऐसे विश्वास का. एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल, और तुम एक अनंत चट्टान अपने सामने, एक ऐसी शरण स्थली आप अपने लिए बना लोगे कि, एंड विद द मटीरियल ऑफ द एटर्नल, और उसको किससे बनाओ, अनंतता के, दिव्यता के मटीरियल से उसे आप बनाइए. एंड स्ट्रक्चर, और जो भी स्ट्रक्चर, जो संरचना यू इरेक्ट, तुम बनाओगे, खड़ी करोगे, विल नेवर बी डिजोल्व, वो कभी भी डिजोल्व नहीं होगी, कभी नहीं गिरेगी, कभी भी वो चकनाचूर नहीं होगी. फॉर इट विल ट्रांसेंडेंट ऑल द एक्यूमुलेशंस, क्योंकि ये तुम्हें जो भी तुमने इकट्ठा किया ऑफ मटेरियल लग्जरीज, जो आपकी भौतिक विलासिताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं एंड रिचेज, और आपके पास जो वेल्थ है, उस सबको, द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत मिट्टी है, मीनिंग मटेरियल थिंग्स विल मिक्स इनटू द डस्ट. एक पोयम आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, उसमें बताया भी था एक राइटर ने, एक पोएट ने, कि आर सोल will is immortal and our body will mix into the dust. हमारी जो आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है, शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाता है. इसी तरह से एवरी जितने भी हमारी ये फिजिकल थिंग्स हैं, एवरीथिंग विल बी मिक्स विल इन टू द डस्ट, और उसके पीछे हम भागते हैं, उसको पाने के लिए हम अच्छे बुरे कार्य अपने जीवन में करते रहते हैं. तो वो कहते हैं कि हम सबको ये चीज़ें, हमें जो भौतिक संसार है, इससे बहुत ऊपर उठा देगी. वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ ऑफ सोरो, चाहे हमें हर्ल्ड थ्रू फेंक दिया जाए सोरो, दुख की घाटी में, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, और चाहे हमें खुशियों की ऊंचाइयों तक उठा दिया जाए, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन द दिस फेथ, हमेशा अपनी पकड़ इस विश्वास पर बनाए रखो. एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, हमेशा इस पर अपनी शरण स्थली की तरह लौट कर आओ, कि एक तुम्हारे सुरक्षा कवच है, ये आपको बचाने वाली चीज़ है विश्वास आपका, इस पर लौट कर आओ. एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और हमेशा अपने पैरों को जमाए रखो इस इमोर्टल, अडिग, अमर और इमूवेबल, जो कभी नहीं हिलाया जा सकता, ऐसे स्टेबल बेस आधार पर, सेंटर्ड इन सच ए फेथ, केंद्रित रखो ऐसे विश्वास को. यू विल बिकम पजेस्ट ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो तुम क्या प्राप्त कर लोगे, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लोगे, एज विल शटर, जो तोड़ देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों की तरह, ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल, बुराइयों की सारी शक्तियों को, दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे सामने फेंक दी गई हैं, डाल दी गई हैं.
एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और तुम एक सफलता प्राप्त करोगे, सच एज द मेयर स्ट्राइवर, जो एक केवल संघर्ष करने वाला वर्ल्डली गेन सांसारिक चीज़ों के पीछे कैन नेवर नो, नहीं जान पाएगा और इवन ड्रीम ऑफ सोच भी नहीं पाएगा. इन दिस पैराग्राफ द राइटर एक्सप्लेन्स और डिस्क्राइब्स द रियल द रियलिटी ऑफ लाइफ. ही सेज दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व एंड इन ऑलमाइटी गॉड एंड इन यूनिवर्सल लॉ. एंड इफ वी हैव फेथ, इट मीन्स दिस पैराग्राफ शोज द स्ट्रेंथ, शोज द पावर ऑफ फेथ, एंड विद द पावर ऑफ फेथ वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ एंड स्ट्रेंथ इन आवर लाइफ. ये यहाँ तक पार्ट फर्स्ट में मैं इसे कराऊंगी आपको. इसके बाद आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन, मैं लिख कर दूंगी आपको. थैंक यू. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लाइन्स. इफ यू आर गिवन एंगर, वरी एट्सेट्रा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या हैव बीन एक्सट्रैक्टेड और हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, रिटन बाई ग्रेट अमेरिकन राइटर जेम्स एलन. आफ्टर दिस कॉन्टेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ. इनमें हमें राइटर अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट बता रहे हैं. एक्सप्लेनेशन, हियर द राइटर एडवाइजेज अस, यहाँ पर राइटर हमें सलाह देते हैं टू बी हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, कि हाउ वी बिकम हेल्दी. फॉर दिस, इसके लिए वी शुड नॉट हैव एंगर, वरी, जेलसी एंड ग्रीड. हमें ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए इफ़ वी वॉन्ट टू बिकम हेल्दी. एंड टू बी हेल्दी फॉर अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स कॉज सिकनेस. और कहता है कि दीज अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स, ये अनियंत्रित जो भावनाएं हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जो हमारे ऊपर अपना नियंत्रण कर लेती हैं, हम उन पर नहीं कर पाते, तो ये कॉज सिकनेस, ये बीमारी का कारण बन जाती हैं. दे डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड, और वो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारी मन की शांति को भंग कर देती हैं. एंड कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज, और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाती हैं. फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वी शुड कीप आवर माइंड अवे फ्रॉम सच इविल थॉट्स. हमें अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को ऐसे विचारों से दूर रखना चाहिए. जॉयफुल एंड लविंग थॉट्स, आनंददायक और स्नेहमयी विचार डेवलप, विकसित करते हैं पावर, एक ऐसी शक्ति इन अस, हमारे अंदर, विच गिव्स अस गुड एंड एवरलास्टिंग हेल्थ, जो एक अच्छी और स्थायी स्वास्थ्य हमें प्रदान करते हैं. आफ्टर दिस यू विल राइट कमेंट्स. इन कमेंट्स यू शुड गिव, आई एम राइटिंग हियर, हेल्दी माइंड. Lives, healthy mind lives in healthy body. Writer gives us the message that healthy mind lives in healthy body through these lines. And the language used by the writer is very simple and easy. Thanks.